अच्छा नौमी की इसमें फाइनली आपके यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि अंग्रेजी पेपर ऑफर करो, फाइनली आपके यहाँ पर अंग्रेजी पेपर आ चुका है और साथ ही इसमें हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से करेंगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है, साथ ही आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके पूरे पूरी मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा नौवीं 22, 23 इंग्लिश अंग्रेजी आपके हिंदी इंग्लिश बना दोनों में आपका पेपर रहेगा। टोटल पेज आपके 6 रहेंगे, मार्क्स आपको 75 नंबर का रहने वाला और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 16 रहेंगे और आपके यहाँ पर समाज 3 घंटे का रहने वाला। तो पूरे पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से करने वाले। इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ वीडियो को लाइक लीजिए, चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मस्त आपके लिए पेपर लाए हैं। साथ ही आपके यहाँ पर इंट्रैक्शन आते हैं, आधा क्वेश्चन आल कॉम्पलसरी और दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन ही आता है रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, आप यहाँ पर देते हैं। ललिता सॉफ्ट कम टोमाटो सीड इन हर गार्डन, द सीड ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया। तो पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना, आप यहाँ पर पैसेज पढ़ लेते हैं। तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज से मिलने वाले हैं। तो आपको पूरा पैसेज यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, लेकिन हम आपके आंसर कराएंगे। लेकिन हमने बता दिया आप अगर आप यहाँ पैसे पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड ललिता शो इन द गार्डन। तो आपका यह था प्लांट्स और भी आता सीड्स और सी आता ट्रीज और डी आता ग्रास। तो यहाँ भार डी ललिता सो इन द गार्डन, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी सीड्स। ठीक है, अच्छे से आपको याद कर देना क्योंकि वो आपके यही पेपर आने वाला है, यानी पूरी आपके यही क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा था भार डिड सी नोट अलाव, तो आपका यह आता इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स और भी आता बर्ड्स नियर प्लांट्स और सी आता फाइल्स नियर प्लांट्स और डी आता पेड्स नियर प्लांट्स। तो आपने भार डिड सी नोट अलाव, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देखते हैं, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा बी। ठीक है, सॉरी आपके इसका आंसर ए रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरे का ए आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आपका ए आता वाटर, बी आता कॉम्पोस्ट, सी आता बीड्स और डी आता फ्लावर्स। तो आप व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ बी कॉम्पोस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर याद कर लीजिए, हमने आपका तीसरा करा दिया। आप चौथा आपके यहाँ पर आता है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग टू टिनी, तो आपका यह था लार्ज, बी आता बिग, सी आता स्मॉल और डी आता गेंट। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, चौथे का आपका सी आंसर हो जाए। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सभी सेट यहाँ पर ए बी सी डी सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं, सभी सेटों में यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर बी के स्टूडेंट सी के डी के ई के, तो आपको भी यही सेट देखना क्योंकि जो यहाँ पर सेट ए में क्वेश्चन दिए हैं ए क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो हमने आपके 4 क्वेश्चन करा दिए, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। आपके यहाँ पर इसका 5वां क्वेश्चन आता है, तो 5वां क्वेश्चन आप देते हैं भाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी, तो आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी आता है, डी, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है, बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन द इन देयर गार्डन, आपके यहाँ पर 5वें का आपका बी आंसर हो जाए। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 2 आता है, हमने जो पहला क्वेश्चन था आपका जो कि आपका पैसा था 5 नंबर का वो हमने करा दिया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, तो ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे पूरा पढ़ लेना। आप यहाँ आते हैं डिस्क लाइफ लाइन मस्ट बी इन्फोर्स्ड ईयरली इन लाइफ, इस तरह से आपका दिया। तो पूरा आपको पढ़ लेना, आप यहाँ इसे पढ़ लेते हैं। तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आता है डिस्क लाइफ लाइन शुड बी इन्फोर्स्ड, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन आता है लेटर इन लाइफ और बी आता मिड लाइफ, सी आता ईयरली इन लाइफ और डी आता वेन इवर यू फील इट। तो जो आपके यहाँ पर दिया यार डिस्क क्लिप लाइन शुड बी इन फ्रोस्ड, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सी। ठीक है, एयरली इन लाइफ। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता भार डज डिस्क लाइफ लाइन डू फॉर आ चाइल्ड, तो आपका इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ए। ठीक है, इसका आपका आंसर ए हो जाएगा, फॉर्म्स करेक्टर एंड मेक्स हिम आल फिट सिटीजन, आपका यहाँ पर दूसरे का ही आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर तीसरा था भार्ट आर गुड हैबिट्स, तो आपका यह था रनिंग इन द सन और बी आता प्लेइंग ऑल द टाइम, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा। इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा सी। ठीक है, अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजर्स, ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ पर तीसरे का आपका सी आंसर रहेगा। तो हमने आपका 3 करा दी, चौथा आपका आता है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अ बर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्पॉटलाइट, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए बे वर्ड डब्ल्यू ए वाई डब्ल्यू ए आर डी आपका यहाँ पर रहेगा। आपका चौथे का आंसर आपको ये लिख देना। चौथे में 5वां आता है राइट डायनासोर ऑफ
फ्रेक्वेंटली। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका हमने यहाँ पर क्वेश्चन टू भी करा दिया, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। यहाँ पर सेक्शन भी आती है, राइटिंग आती है, तो आप यहाँ से रीड द फॉलोइंग पेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। तो आपको इसका यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो इसका आपको यहाँ पर टाइटल बनाना, ठीक है। आप पैसे यहाँ पढ़ लीजिए, इसका आपको टाइटल बनाना, साथ ही आपको नोट्स बनाने, तो जो इनका आंसर है वो भी हम बताएंगे। पहले आप यहाँ पढ़ते हैं, हाउ डू टेलीविजन अफेक्ट आवर स्लैप, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शो दे बात। इस तरह से आपका दे, तो पूरा पढ़ लेना, आपको इसका टाइटल और नोट्स पर बनाने, साथ ही इसका आंसर हम वो वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे, क्योंकि इसका लॉन्ग आंसर है, तो हम वो वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, जो आपके फादर हैं उनके ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर शिवपुरी में, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको यानी TC पर आपको लिखनी है एप्लीकेशन, और इसका थोड़ा देख लीजिए, जिस पर आपको बर्थडे पार्टी पर आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन पाँचवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ऐसे मतलब मैंने निबंध लिखना आपको पाँच नंबर करेगा, साथ ही जो इनका आंसर वो भी हम बता देंगे आपको, वीडियो के लास्ट में सभी आंसर बताए जाएंगे। और छमा आपका आता है, छमा आप यहाँ आते आपकी एक पिक्चर यहाँ पर दिए, इस पिक्चर को देख कर आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ शॉर्ट पैराग्राफ लिख देते हैं तो आपको चार नंबर मिल जाएंगे, या वह छवा क्वेश्चन है। फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो पहला क्वेश्चन आता है, ही इज अमेरिकन बट हिज लाइफ इज यूरोपियन, ठीक है। आपके इसको ऑप्शन आते हैं ए आ द, तो आपके यहाँ पर एन ए द आता है, तो इसमें आपको आ भर देना है यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा आ। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा, दे डोंट नॉट कम्प्लीट देयर वर्क, तो आपका आता हैज हैव वुड हैव, तो इसमें आपको हो जाएगा यहाँ पर हैव, तो इसमें आपके यहाँ पर हैव भर देना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट डॉट आई एम इल, तो आपके यहाँ पर आता है सो बिकॉज बट, तो इसमें आपको भर देना है यहाँ पर सो, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, सुमित इज द डॉट डॉट स्टूडेंट इन द स्कूल, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आता बाईस बाईसर और बाइस्ट, तो इसमें आपका बाइसर हो जाएगा, ठीक है। आपका इसमें दूसरी वाला होने वाला, तो आपको यहाँ पर लिख देना WIS या, ठीक है, आपके यहाँ रहेगा आंसर। जो पाँचवा आता है, पाँच में आप देखते हैं, हाउ डोंट डोंट स्टूडेंट्स आर पेरेंट्स टूडे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका मैनी, आपका इसमें यहाँ पर हो जाएगा मैनी। फिर आपके यहाँ पर आता है, आपका छः आता है, हिंदी डोंट डोंट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें आपको हो जाएगा आर, ठीक है, इसमें आपका आर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर फाइंड द बैलेंस कंप्लीट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके आते हैं डू डायरेक्ट आते हैं, नहीं फाइव आपको पाँच करने, इसमें आपको जो यहाँ पर फलिंदा बैलेंस थे इसमें भी आपको पाँच करने थे, छः दिए रहते हैं। और फिर आपके यहाँ पर डू डायरेक्ट आते हैं जो कि पाँच नंबर के रहेंगे, आपको पाँच करने, पहला आता दूसरा तीसरा चौथा देख लीजिए, जिससे इनके स्क्रीन शॉट ले लीजिए और हम इनके आंसर आपको बता देंगे। और आपके यहाँ पर पाँचवा आता छवा आता, ठीक है, तो इनके जो आंसर हम बता देंगे आपको, वीडियो पूरा देखना। फिर आपका सेक्शन दिया था लिटरेचर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी सेक, तो आपके छः करने, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, तो पहला आता हाउ ओल्ड इज मैरिज, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी 11 ईयर्स। फिर आपका दूसरा आता है व्हाट डज एलो बुड्स मीन, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी फॉरेस्ट विथ एलो लैप्स, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा व्हाट इज नेम ऑफ द मास्टर, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी जेम्स ब्लेड्स। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा आता के जी बाज ब्रिटेन आप विथ आ रूल बाय हर फादर बिकॉज, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी सी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स। फिर आपका पाँचवा आता भाट आर सिंगलेस, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर छवा आता है, तो छवा आते हैं हाउ इज द ऑथर ऑफ द लेसन माय चाइल्डहुड, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर सातवा आता हु मेक्स द साउंड क्वेक, तो इसका आपका हो जाएगा डी डक। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हमने नौवा क्वेश्चन करा दिया, आपके साथ दिए हैं तो आपको छः करने थे, ठीक है। और आप यहाँ पर नौवा क्वेश्चन आपके यहाँ पर छः नंबर करने वाला था, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको छः करने थे। अब चलिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन दसवा आता है, दसवें का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो ये आपकी पोएम टाइप के, नहीं आपका पैसे टाइप का आता है, जो तीन नंबर का रहेगा, तो इस पैसे पूरा आपको पढ़ लेना। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन आता है भाट मेड, ठीक है, आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए सी डिडेंट हेयर हर नेम। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरे में आंसर आपका रहेगा ट्रू, ठीक है, इसमें आपका ट्रू हो जाएगा। फिर तीसरा था फाइंड द वर्ड ऑफ फेरेस इन द पैसेज विच मीन्स द सेम अस टू हाइड, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ओ एन सी ई एल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिख दिया सी ओ एन, ठीक है, आप यहाँ पर सी ओ एन सी ई एल, आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका दसवीं का बी आता है, जो कि आपकी पोयम आती है,
तो पोयम आपको यहाँ पढ़ लेना। आप इससे पहला क्वेश्चन आता है भार डज एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था भार बाद द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर आपका तीसरा था फ्रॉम विच पोयम द अबव लिनेस हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका बी द रोड नॉट टेकन। फिर आपका क्या क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, यानी क्वेश्चन आते हैं आपके एनी सेक्शन यानी आपको 6 करने और आपके यहाँ पर 7 दिए हैं, आप यहाँ पर नंबर देख लीजिए। फिर 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 करने हैं, पहला क्वेश्चन आपका ए दिया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए ठीक है, आपको 2 ही करने थे। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर 3 दिए हैं तो आपको 2 करने हैं। फिर 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एनी 2 आपको इसमें भी आपको 2 करने, 3 आपके यहाँ पर दिए तो आप देख लीजिए और नंबर भी आप यहाँ पर। 15वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 1 ही करना ठीक है, आपका 3 मार्क रहेगा 15वां क्वेश्चन, और 16वां क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क रहेगा। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने आपको करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही जो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन है और साथ ही जिस क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं कराए उन सभी के आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले पेज के लिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन। टेकिंग बाय बाय।